2020 में शुरू हुई एक बीमारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस बीमारी का नाम था कोरोना। इसकी वजह से दुनिया भर में लगभग 25 लाख लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस महामारी के बाद कोविड-19 के लिए अब वैक्सीन उपलब्ध है और अब ये एक आम बीमारी बन गई है। लेकिन अभी तक कोरोना से लोग पूरी तरह बाहर भी नहीं निकले थे कि कोरोना से लगभग 7 गुना ज्यादा खतरनाक महामारी दुनिया में दस्तक देने वाली है, जिसका नाम है डिजीज एक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। दरअसल यूके के मेडिकल एक्सपर्ट ने दावा किया है कि आने वाले समय में एक और महामारी हमारे सामने आएगी, जिसका नाम डिजीज एक्स रखा गया है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि ये नया वायरस 1918 से 1920 के स्पेनिश फ्लू जैसा ही विनाशकारी हो सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि डिजीज एक्स कोरोना वायरस से ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि संभावित नई महामारी में कोरोना वायरस की तुलना में 20 गुना अधिक मौतें होने की क्षमता है। यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली डेमकेट बिगम ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है कि अगली महामारी कम से कम 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया भाग्यशाली थी कि कोविड इतना ज्यादा अधिक घातक नहीं था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने डिजीज एक्स को अगली महामारी बताया है और कहा है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। डेमकेट बिगम ने आगाह किया कि डिजीज एक्स कोविड-19 से 7 गुना अधिक घातक साबित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगली महामारी मौजूदा वायरस से पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा, बेशक उनमें से सभी इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों पर खतरा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वैज्ञानिक 25 वायरस फैमिली की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें प्रत्येक में हजारों व्यक्तिगत वायरस शामिल हैं। इन वायरस में से कोई भी एक गंभीर महामारी में बदल सकता है। यह निगरानी इन वायरस को ध्यान में नहीं रखकर की जा रही है, जो जानवरों से मनुष्यों में आ सकते हैं। डेमकेट ने कहा, कोविड के साथ वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग ठीक होने में सफल रहे। कल्पना कीजिए कि रोग एक्स इबोला की मृत्यु दर के साथ खसरे जितना ही संक्रमक है, जो 67% है। दुनिया में कहीं ना कहीं इसकी नकल हो रही है और देर सवेर कोई ना कोई बीमार महसूस करने लगे। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने डिजीज एक्स से बचाव के लिए टीके बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस टीके को बनाने में विल्टशायर के हाई सिक्योरिटी वाले पोर्टन डाउन प्रयोगशाला में 200 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल है। उनका ध्यान मनुष्यों को संक्रमित करने और दुनिया भर में तेजी से फैलने की क्षमता वाले जानवरों के वायरस पर है। इनमें बर्ड फ्लू, मंकी पॉक्स और हंता वायरस शामिल है। वहीं यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख प्रोफेसर डैम जेनी हैरिस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या परिवर्तन जैसे कारण भविष्य में महामारी की संभावना को बढ़ा रहे हैं।